हेलो दोस्तों, राधे राधे, छोटो को हाय, बड़े को प्रणाम। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और अभी आप लोग देख सकते हैं मेरे मामू जी इधर कंदा कोड़ रहा है। तो मामू जी आप बता सकते हैं कौन सा कंदा है? कठार कंदा। हाँ, तो मामू जी का कहना है कि यह कठार कंदा है और बहुत लंबा साइज का होता है दोस्तों। तो उसको भी मैं आप लोगों को कोड़ कर दिखाऊंगा। तो मामा जी भी कहीं प्रतापपुर शायद जा रहे हैं, तो चलिए इसको जाने देते हैं और मैं कोड़ कर जो कठार कंदा है उसको अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देख सकते हैं शिवा भी यहाँ बहुत दिनों के बाद पहुँच चुका है। हाय भाई, कुछ बोलोगे ब्रो? अच्छा, देखिए देखिए अभी छोटा सा कंदा निकल चुका है। ये रहे कंदा, कठार कंदा, देख सकते हैं। एक खचा कर रहा है ना मामू, कहे खाँच दिए तो थोड़ा देख ताक कर कोड़ना, तब ना खाने में मजा आएगा। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग कठार कंदा को निकाल चुके हैं और इसका साइज भी देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा है। और ये तो कमे है दोस्तों, इससे भी और ज़्यादा होता है बड़ा बड़ा इससे। और देख सकते हैं कितना गड्ढा हम लोग कर। दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं मैं कठार कंदा को ले जाऊँ घर पे रखने के लिए और इसको कल या परसों बनाएंगे खाने के लिए। और आप लोग इधर देख सकते हैं मामी जी भी इधर लिपाई पोताई का काम चल रहा है और हम लोग का कठार कंदा है उसको अभी ले जा रहे हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं अभी हम लोग पानी भरवा रहे हैं। भर गया ब्रो? दोस्तों आंगन को हम लोग लिपने के लिए पानी वगैरह सब भरवा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो गाइस अभी आप लोग देख सकते हैं जा रहे हैं अभी बैल वगैरह चराने के लिए। अभी देख सकते हैं मामी जी अभी लिपाई का काम कर रही है, यहाँ पर लिप चुकी है, बस वहाँ थोड़ा सा बचा है। और देख सकते हैं यूपी के हैं इधर, मैं गया नहीं हूँ, बोल तो रही है जाने के लिए। देखते हैं अगर प्लान बनेगा तो जाएंगे। है कि नहीं दादी जी, चलेंगे ना, भेजेंगे ना आपके गाँव में दिखाने के लिए यूपी में कैसे कैसे रहते हैं, रहन सहन, बोल बात तो लगता है कुछ गाँव देहात का बोली थोड़ा अलग है। देखते हैं हर राज्य में कुछ अलग अलग भाषा रहता है। तो चलें गुरु, चल। तो दोस्तों अभी हम लोग दुकान के लिए निकल चुके हैं मिठाई खाने के लिए। और आप लोग इधर देख सकते हैं रास्ते में हमें दिखाई दिया आमा का पेड़, कई बार आ चुके हैं। और देख सकते हैं मनीषा जी यहाँ पर आम जो कि रखा हुआ है और ऊपर में मामा श्री चहगे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो ब्रो जल्दी लाओ यार, खाने का मन कर रहा है मेरा। और उधर देख सकते हैं गाड़ी वगैरह ये सब रखाया हुआ है, उसी गाड़ी पे अगर हम लोग दुकान चलेंगे। कितना टोड़ा रे? चलो उतना काफ़ी है। तो चलिए गाइस अभी हम लोग चलते हैं दुकान और दुकान वगैरह। देखो कितना लाल लाल पका है दोस्तों, ये देख सकते हैं। और यह न्यू रोड बना हुआ है, देख सकते हैं नया रोड किस प्रकार की दिखाई दे रही है, आप लोग देख सकते हैं इधर से। तो चलिए ये आम को तो अभी दुकान से आकर खाएंगे, अभी डिक्की में डाल देते हैं। क्या हुआ कि हम लोग दुकान तो गए लेकिन जो जिसका मन पसंद का मिठाई लेना था तो कुरकुरे वो मिला नहीं, क्या ही बोलिएगा। इसके बाद हम लोग रिटर्न कुरकुरे लेकर वापस जा रहे हैं घर के लिए। ये कुरकुरा दे रहे राधा सिंह, कहाँ चली गई रे राधा सिंह, इतना अंधार अंधार में सो रही है। कुरकुरा मिला? पंजाबी तड़का तो नहीं मिला? नहीं, वहाँ आम तोड़े थे ना, मतलब जाते समय दुकान जा रहे थे तो आम तोड़े थे, तो उसको हम लोग अभी खा रहे हैं। अभी हम लोग दुकान साइड से घर आ चुके हैं और हम लोग कुरकुरे लेने के लिए तो गए थे लेकिन कुरकुरा लेने के लिए नहीं गए थे, हम लोग पंजाबी तड़का लेने के लिए गए थे, जिसका चॉइस था खाने के लिए पंजाबी तड़का और राधा माता जी का। तो पंजाबी तड़का नहीं मिला, दो दुकान में ढूंके, दोनों दुकान में नहीं था, लेकिन क्या करिएगा। इसके बाद हम लोग कुरकुरे लाए, कुरकुरे लाए भाई अब दिए और देख सकते हैं हम लोग
आम जो है उसको अभी खाएंगे। तू खा रहा है रे? ये कितना पका है? ये वाला आम नहीं देखा मेरे को, ये वाला थोड़ा कच्चा है। मैं नहीं दूंगा। काहे नहीं दोगे? इसमें पिए हो कि पिए हो पानी को? तो दोस्तों अभी इतना गर्म रहा है ना, तो इसीलिए हम लोग देख सकते हैं महुआ पेड़ दिखाई दे रहा है। इसके नीचे हम लोग सोने के लिए आए हैं। इसके साथ आप लोग देख सकते हैं घर में लाइट भी नहीं है, पंखा भी, अगर पंखा का हवा भी चलता है ना दोस्तों तो बहुत गर्म हवा मारता है। देख सकते हैं इतना हम लोग जंगल के सामने है ये घर, फिर भी इतना गर्म रहा है। आप सोच सकते हैं तो शहर वालों को कितना तकलीफ हो रहा है, उन लोग जाने। हम लोग पूरा चटाई वगैरह ये सब ला, मतलब ला चुके हैं यहाँ पर। और एक क्रिस जो आम का तो कमी नहीं दोस्त, आज पता नहीं हम आम हमें क्यों मिल रहा है इतना, तो एक आध दिन एक भी आम नहीं मिलता है। तो शिवाजी चलिए कटिंग कीजिए, इस आम को खाते हैं, इसके बाद सोते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग जाने वाले हैं, कहाँ जाएंगे ब्रो? मंगल बाजार। क्या करना है? चुंदी कटवाने। किसका? आपका। हाँ तो दोस्तों देख सकते हैं मेरा जो बाल है वो ज्यादा बड़ा बड़ा हो चुका है। तो मेरा बाल। अब मैं सोच रहा हूँ क्या हुआ पे? खोखी आया। अच्छा खोखी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरा बाल को खुटवा लेते हैं और जितना भी हीरो गिरी चला अब वो बंद करो। अब स्कूल खुलने वाला है भैया, इसके बाद पढ़ाई लिखाई करो, है कि नहीं बे? है ना? ये सब के सब मेरे ग्रुपिंग है बोले तो। और जब से मैं यहाँ आया हूँ ना मेरे घर से, तो सब उन्हीं लोगों के पास में रहता हूँ। अधिकतर मेरे लेवल के कुछ मेरे दोस्त यार हैं रहने के लिए, लेकिन मैं उन लोग के पास नहीं रहता हूँ। उन लोग के पास मेरे मज़ा भी आता है और वीडियो बनाने में भी थोड़ा अच्छा लगता है। और उन लोग रहते हैं तो बहुत कोई ताना भी मारते हैं कि साला ब्लॉग बना रहा था, वीडियो बना था, ऐसे वैसे। चलिए मेरा गैंग छोटा ही, बच्चे लोग ठीक हैं, है कि नहीं? है। नमस्कार। तो सब इसका नाम कृष्णा, तेरा नाम? कमलेश। जय जोहार कर रहा है। और तेरा नाम? शिवा, शिवा भगवान, जिसको तो भी दिखाया हूँ। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं मंगल बाजार। तो दोस्तों अभी हम लोग रास्ते में आते आते थक चुके थे, और अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग को दिखाई दिया नल, और यहीं पे हम लोग थोड़ा पानी वगैरह ये सब पी रहे हैं। इन लोग को मैं पिया रहा हूँ दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग सामने ही में मंगल बाजार हम लोग पहुँच चुके हैं, और अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ मंगल बाजार के कुछ नज़ारे को। कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है दोस्तों, बस छोटा ही सा मतलब मार्केट लगता है, कुछ ज़्यादा नहीं लगता है, कुछ ज़्यादा बड़ा। तो चलिए वहाँ जाकर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ और मिलते हैं वहीं पर। तो दोस्तों अभी हम लोग मार्केट में पहुँच चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं इधर मार्केट के नज़ारा। ये गांव देहात में थोड़ा ज़्यादा उतना लंबा मतलब नहीं लगता है मार्केट, और हम लोग तो पता ही था कि बाल वगैरह ये सब कटवाने के लिए आए हैं, बस हम लोग अपना काम करते हैं और यहाँ से निकलते हैं, ज़्यादा टाइम पास यहाँ नहीं करते हैं। और हाँ दोस्तों यहाँ आप लोग स्कूल दिखाई दे रही है, इसमें मेरे को नहीं पढ़ना है। आप लोग इधर देख सकते हैं, उधर उधर स्कूल दिखाई दे रही है। तो दोस्तों इस वर्ष मेरे को यहीं पढ़ना है इसी स्कूल पे, क्या ही करें। सो हे गाइस, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्रिस का चल रहा है अभी फूल की का चैलेंज, चैलेंज नहीं बस ऐसे ही खा रहा है। बैठो खाए ब्रो, कितना खाए? मिर्ची लग रहा है क्या? मिर्ची लग रहा है। तो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं इधर मार्केट का नज़ारा, कुछ छोटा ही सा है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं लगता है। ये गांव देहात के मार्केट है ना, यहीं पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर स्कूल वगैरह भी है। इस वर्ष मेरे को लगता है यहीं पढ़ाई होगा मेरा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, तेरे को क्या खाना है रे? ओ हेलो, इधर देख, इधर क्या खाना है? और तेरे को भाई, तू तो खा लिया ना? हाँ। ये फर्स्ट खाया दोस्तों। चलिए दोस्तों हम भी थोड़ा खा लेते हैं, इसके बाद चलेंगे रिटर्न अपने घर के लिए। और 10 रुपया में 8 ठो दे रहा है ब्रो, है कि नहीं यार? चल मेरे को भी खिला दो 10 ठो। तो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेरा बाल वाल ये सब कटा लिया हूँ, कैसी दिख रही है, क्या ही करिएगा, स्कूल वगैरह खुल रही है ना, इसलिए मैं सोचा बाल थोड़ा मीडियम में रखें। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं पंजाबी तड़का ले लिए हैं, और मेरे लिए नहीं राधा के लिए, और 2 ठो हम लोग खाएँगे और बाकी ले जाएंगे राधा के लिए। और कुरकुरे लाए थे ना उस समय, नहीं यार राधा के लिए ले रहे हैं।
तो दोस्तों आज का ये छोटी सी ब्लॉग यहीं तक एंड करते हैं और शाम भी होने वाली है ना, तो चल रहे हैं अभी हम लोग घर के लिए। है कि नहीं शिवा? हाँ, तो क्या खाए?